नमस्ते दोस्तों, ग्रीन टिप्स एंड एडवाइस चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में निफ्टी फ्यूचर आउटलुक, निफ्टी का रुझान क्या रहेगी अगले दिन, निफ्टी में क्या हो सकते हैं, निफ्टी अप जाएगा या फिर डाउन, और निफ्टी फ्यूचर का बाइंग लेवल, सेलिंग लेवल, स्टॉप लॉस और टारगेट, उस बारे में चर्चा करेंगे। और कल जो मैंने निफ्टी फ्यूचर के जो लेवल के बारे में डिस्कस किया था, उसका आउटलुक, उसका रिव्यू भी देख लेंगे। और इंटरडे फ्री लाइफ टिप्स कैसे प्राप्त कर सकते हैं स्टॉक कैश एंड स्टॉक फ्यूचर का, और BTST पोजिशनल कॉल एंड शॉर्ट टर्म एंड मल्टीपेयर कॉल। तो अगर ये सब जानना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा। तो कॉन्सेप्ट में जाने से पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पज़ बनाता हूँ, और जो भी आउटलुक, जो भी लेवल यहाँ पर मैं पेश करता हूँ, ये मेरे खुद के रिचार्ज हैं। अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो अपनी खुद की जिम्मेदारी के हिसाब से ट्रेड कीजिए, क्योंकि मैं रिकमेंड नहीं करती मेरे लेवल पर ट्रेड करने के लिए। तो हम पहले लेवल देख लेते हैं कल के निफ्टी फ्यूचर का। बाइंग लेवल था 10,799, सेलिंग लेवल था 10,710। तो आज बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, नो प्रॉफिट नो लॉस। अब हम अगले दिन के लिए निफ्टी का आउटलुक देख लेते हैं। अभी देखिए, एक घंटे की टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी का जो अभी ट्रेंड है, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल लास्ट जो चार कैंडल है, ध्यान दीजिएगा, 1, 2, 3, 4 चार कैंडल में से पिछले जो तीन कैंडल हैं, ये तीन कैंडल देखिए, तीनों कैंडल का जो प्राइस है, जो हाई प्राइस है, सेम जगह पे है। सेम जगह पे मतलब ये कहना चाहता हूँ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और 20 डेज एक मूविंग एवरेज है जो ब्लैक लाइन का है। तो 20 डेज मूविंग एवरेज और फर्स्ट रेजिस्टेंस जो लेवल है, ये दोनों लेवल एक अवधि है, एक सीमा है। इस अवधि को जो है ब्रेकआउट कर नहीं पाया पॉजिटिव, और बार बार उच्चतम स्तर को टच करके फिर दोबारा नीचे गिर जाते हैं। और फाइनली देखिए, लास्ट जो कैंडल है बुलिश कैंडल है और एक स्मॉल बुलिश बॉडी लेके क्लोज हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं फ्रेंड्स, अगले दिन अगर ये एक घंटे के चार्ट के हिसाब से अगर इस रेजिस्टेंस लेवल को और इस 20 डेज मूविंग एवरेज को पॉजिटिव ब्रेकआउट करते हैं, तो हम ऊपर की तरफ एक उछाल देख सकते हैं और ऊपर के लेवल पे हम बाय कर सकते हैं। और ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को हम बतौर स्टॉप लॉस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी सारे इंडिकेटर के बारे में अगर बात करें, तो यहाँ पर देखिए RSI 33.52 है, और ये हम कह सकते हैं कि अभी बाइंग पोजिशन पर हैं। अगर गिरते भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और 20 रेंज तक गिरेगा, इससे ज़्यादा नहीं, और वॉल्यूम परसेंटेज भी बाइंग लेवल पे हैं। स्टोकास्टिक मोमेंटम इंडेक्स प्लस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो कम्बिनेशन है, ये भी स्ट्रांगली बाइंग पोजीशन पे है। तो एक घंटे के चार्ट के हिसाब से हमें स्ट्रांगली बाइंग पोजीशन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका हम बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल दोनों देख लेंगे। और फ्रेंड्स, और एक बात बताना चाहता हूँ, नीचे की तरफ हमें एक स्ट्रांग सपोर्ट मिल रहा है 10,696 रुपये का। अगर 10,696 रुपये को नेगेटिव ब्रेकआउट करते हैं तो नीचे की तरफ हम गिरावट देख सकते हैं निफ्टी में अगले दिन। तो चलिए, उसका बाइंग लेवल रहेगा 10,796 रुपये 62 पैसे, स्टॉप लॉस रहेगा 10,724 रुपये, और फर्स्ट टारगेट रहेगा 10,809, सिक्स टारगेट रहेगा 10,932, सेलिंग लेवल रहेगा 10,712 रुपये 93 पैसे, स्टॉप लॉस रहेगा 10,784 रुपये 57 पैसे, फर्स्ट टारगेट रहेगा 10,700 और सिक्स टारगेट रहेगा 10,577। अब हम देख लेंगे इंटरडे फ्री लाइफ टिप्स हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटरडे फ्री लाइफ टिप्स प्राप्त करने के लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और वेबसाइट का नाम है anjantechreachers.com, ये मेरी खुद की वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप लोगों को इंटरडे फ्री लाइफ टिप्स मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं, और इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर जो बेल आइकन मिलेगा, इस बेल आइकन में क्लिक करके आप लोगों को सब्सक्रिप्शन जो है अप्लाई करना है।
जैसे आप लोग सब्सक्रिप्शन अप्लाई करेंगे तो आप सब्सक्राइबर बन जाओगे, और जब भी मैं लाइव टिप्स प्रोवाइड करूँगा उसका नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो बेल आइकन है, इस बेल आइकन में क्लिक कीजिए। जैसे बेल आइकन में क्लिक करेंगे अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ कर दीजिएगा तो आप सब्सक्राइबर बन जाओगे। उसके बाद यहाँ पर आप काफ़ी सारे आर्टिकल मिल जाएगा आपको। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये आर्टिकल पोस्ट किया, व्हाट इज़ इन द मनी, इन द मनी क्या है। इन द मनी मतलब फ्रेंड्स स्टॉक ऑप्शन का ये एक स्ट्रेटजी होता है इन द मनी। इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके आप प्रॉफिट कर सकते हैं। ये आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, आर्टिकल देख लीजिएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे मैं आर्टिकल पोस्ट करता हूँ, और मल्टीवेगर स्टॉक और शॉर्ट टर्म स्टॉक का आर्टिकल भी पोस्ट करता हूँ। अब मेनू में क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको इंट्राडे टिप्स मिल जाएगा। टिप्स में पोजिशनल कॉल, BTST कॉल भी मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंट्राडे टिप्स में क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर देखिए टाइम के हिसाब से कॉल आपको मिल जाएगा। अभी देखिए 10:44। ठीक है फ्रेंड्स, गेल इंडिया कैश मैंने प्रोवाइड किया था 343 में। तो गेल जो है फ्रेंड्स, गेल अभी होल्ड पे हैं, राजेश एक्सपोर्ट भी होल्ड पर हैं, किडीला स्टॉप लॉस हिट हुआ, फेडरल बैंक फर्स्ट टारगेट डन, कैपासाइट फर्स्ट टारगेट डन। तो दो स्टॉक फर्स्ट टारगेट डन हुआ है, एक कॉल में स्टॉप लॉस हुआ है और दो कॉल अभी होल्डिंग पे हैं जब तक स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा या फिर जब तक टारगेट अचीव नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको लोअर टाइम के हिसाब से मिल जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को अगर आप टिप्स में क्लिक करते हैं तो आप लोगों को पोजिशनल कॉल और BTST कॉल मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पोजिशनल कॉल आज मैंने प्रोवाइड किया ओवर रॉयल्टी 542 में, अभी तक ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ठीक है, इसका आप पेंडिंग ऑर्डर डाल के रख सकते हैं अगले दिन। ठीक है, BTST बाय अमर राजा बुक प्रॉफिट। तो यहाँ पर आप लोगों को पोजिशनल कॉल BTST कॉल मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कॉल प्रोवाइड करता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना सही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।